हेलो दोस्तों, वेलकम टू विकास टेक्निकल आइडियाज। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपकी फरमाइश पे है कि एसी डीसी चार्जिंग वाला बल्ब बना के दिखाइए। तो हमारे पास कोई ख़राब बल्ब अगर बचा हुआ है, पुराना पड़ा हुआ है, उसी का हम एसी वाले बल्ब का एसी डीसी बना देंगे। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारे पास 12 वाट का एलईडी बल्ब है, लेकिन ये हमारा काम नहीं करेगा, हमें 15 वाट का चाहिए। तो दोस्तों, 15 वाट का तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इस तरह की ये बॉडी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये बॉडी टूट चुकी है, तो हम एक ये इस टाइप की बॉडी यूज करेंगे जो एसी डीसी की ही है। आपको यूज करनी है एल्युमिनियम बॉडी जो कि 15 वाट की हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। तो उसमें भी एक हीटसिंक टिक्की होगी, ठीक है दोस्तों, एक डिफ्यूजर होगा उसमें। ठीक है जी, तो अब हम ये जो हम बल्ब आप आज बनाने वाले हैं बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होगा, ओरिजिनल क्वालिटी भी इसके सामने फेल होगी क्योंकि लाइट के मामले में। ठीक है दोस्तों, तो हम ये यूज करने वाले हैं इसमें। तो देख सकते हैं हम डीओबी इस तरीके से भी लगा सकते हैं, और इसके साइड में जो है 4 वोल्ट की डीओबी इस तरीके से भी लगा सकते हैं जो कि लगाई जा रही है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं लगाएंगे इसको, हम इस तरीके से यूज करेंगे जिससे कि हमें हमारा टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, देख सकते हैं हमारा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, हमने अल्फा डीओबी इसमें यूज किया है, प्लस ये जो लाइट है हाई ग्लो की लाइट है, इसमें कोई छोटी लाइट हमने यूज नहीं की है। अगर अदर लाइट इससे हैवी यूज करेंगे तो चार्जिंग का बैकअप कम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हमने यूज किया है। ये हमने एक एमसीपीसी भी पीछे लगाई जिस पर हम इसका सर्किट का कनेक्शन करेंगे, जो कि कल हमने एक सर्किट बनाया था, उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। प्लस दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरीके से सर्किट बनाया था, वहीं पर आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 वोल्ट का सर्किट है, ठीक है, जो 5 वोल्ट की लाइन को हमारी काम में करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी, तो हम इसे कनेक्शन इसमें यहीं पे कर रहे हैं, जिससे कि ये अदरवाइज कोई भी पीसीबी ले सकते हैं, छोटी पीसीबी कोई हो तो वो ले सकते हैं। ठीक है, हम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पीसीबी अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अपने घर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिट रहेगा, और इसका जो बैकअप रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा, और बैकअप आप कितना भी घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्लस लाइट जाते ही ऑटोमेटिक ऑन होने वाला है। ठीक है, अगर आप ये सर्किट देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक दिन पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, वो देखने से आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगी सभी जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो कनेक्शन मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से,
आप इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं किस तरीके से मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, हमने जो भी आइटम इसमें यूज किया है। और रेजिस्टेंस एक जो है चेंज करनी है, जहाँ पे मैं 10 ओम की ये रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे 220 ओम की रेजिस्टेंस यूज करनी है, ठीक है, क्योंकि ये जल्दी गर्म हो जाएगी, ठीक है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इसीलिए वीडियो बनाई जा रही है। तो एक LG का सेल है जो कि कट वाला सेल है, इसमें BMS लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे BMS का काम यह है कि जैसे ही ये चार्जिंग फुल होगी तो ऑटोमेटिक कट कर देगा ये दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आप DOB जो यूज करना चाहते हैं अपनी हिसाब से कर सकते हैं, हम Alpha DOB इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि Alpha DOB का रिजल्ट अच्छा है। तो ये माइनस वाला पॉइंट है, माइनस वाला पॉइंट यहाँ पे इसका कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा इतना ही कनेक्शन करने पे चालू हो चुका है, लाइट ग्लो हो रही है, ठीक है। तो अभी हम जो है मेन कनेक्शन कर देते हैं, उसके बाद हमें जो चाहिए एक मोबाइल चार्जर का सर्किट चाहिए जो कि 5 वोल्ट का होता है, जो आपके पास सबसे बेस्ट हो और उसकी पिन कटी हुई हो, ठीक है, लेकिन चलता हो, वो आपने यूज करना है, ठीक है। परमानेंट ये चलेगा, जैसी क्वालिटी आप यूज करेंगे ऐसी ही क्वालिटी उसकी बनी रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों अब बारी आती है इसकी चार्जिंग की, कनेक्शन की। तो कनेक्शन हमें करने इस तरीके से है, यहाँ पे माइनस हमें कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद प्लस वाला जो पॉइंट है, प्लस वाला पॉइंट ये जो है, आपको ऐसा लग रहा होगा काफ़ी इसमें घुमाव है, कहीं पे कनेक्शन करने हैं, तो एक बार सीखेंगे समझेंगे बनाएंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। पहले इससे पहले वीडियो जो बना रखे उसमें देखे किस तरीके से कनेक्शन किए हैं, अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल हिसाब से समझाया उसमें, ठीक है। और ये जो माइनस पॉइंट है ये हटा दिया था, तो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये सिस्टम बिल्कुल चालू हो चुका है, ठीक है। अब रहता है AC का काम, ये जो AC का काम है, अगर इसमें आप चाहते हैं कि बैकअप इसका बढ़ जाए, अच्छा रहे, तो 2 LG के सेल लगा सकते हैं, अदरवाइज एक ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये AC के जो मेन पॉइंट है, मेन कनेक्शन है, जो चार्जर के पॉइंट है उसी पे कनेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे हमारे मेन चार्जर के कनेक्ट होंगे। तो दोस्तों हमारा ये बिल्कुल तैयार हो चुका है सिस्टम, और हमने ये लगा दिया इसमें, ठीक है। और ये इस तरीके से किसी भी तरीके से सेटिंग करके फिक्स इसमें कर देना है, ठीक है। और एक और आइटम इसमें लगाना बाकी है, जो कि मैं आपको पहले फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद ही दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये हमारे सिस्टम की, इसकी बल्ब की B22 है, B22 लगा देते हैं हम इसमें। तो ये देख सकते हैं हमने B22 बिल्कुल फिक्स कर दिया, ठीक है। अब आती है इसकी टेस्टिंग की बारी। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा ये बल्ब चालू है, जैसे ही मैं इसे AC में लगा रहा हूँ तो देखिए AC सर्किट इसका ऑन हो जा रहा है DOB, ठीक है, और DC इसका बंद हो रहा है। और जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो देखिए DC चालू हो चुका है। अब लाइट आपको कम लग रही होगी, लेकिन देखिए DOB की कितनी हैवी लाइट होती है, वो भी कम लग रही है, क्योंकि लाइट यहाँ पे ऑन है, सभी लाइटें ऑन है, ठीक है। प्लस कैमरे में लगती है, तो देख सकते हैं देखिए कितनी हैवी लाइट आ रही है, ठीक है। प्लस DC की भी इसमें हैवी लाइट है, जब ये चार्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक लाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि इस सेल पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं, तो ये चार्ज नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा रिजल्ट इसका सक्सेसफुल है, एक बार आपको पास में बोर्ड रख के मैं दिखा देता हूँ। तो ये एक्सटेंशन बोर्ड है और ये हमने कनेक्ट कर दिया है, तो इसमें मेन AC आ चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी जो वायर है, इसका जो प्लग है AC/DC का, तो यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये हो चुका है ऑन, ठीक है। अब मैं सभी लाइट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये देखिए DOB जल रही है इसकी, ऑन है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ तो इसकी ये 4 वोल्ट की LED ऑन हो जाती है। चार्जिंग होते ही सार इसकी लाइट इसकी बढ़ जाएगी रोशनी, ठीक है। अभी कम इसलिए दिख रही है, देखिए वह तो रोशनी ठीक है, कम इसलिए दिख रही है क्योंकि ये चार्ज नहीं है, ठीक है दोस्तों। और लाइट आप LED इससे भी हैवी लगा सकते हैं, लगाना चाहते हैं,
ठीक है जी। अब रही इसकी ऑन ऑफ की बात, आप सोचेंगे कि ऑन ऑफ कैसे होगा ये, ठीक है। तो ऑन ऑफ होने के लिए हमें एक इसमें सिस्टम लगाना होगा। तो दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूँ, सर्किट हमने यहाँ से जो प्रिंट लगाया था कनेक्शन के थे वो हटा दिया है, यहाँ पे टेपिंग कर दिया है सभी कनेक्शन में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम सेटिंग नहीं आ रही थी, इस पर लग रहा था, टच हो रहा था, ठीक है। तो इसे हटा सकते हैं, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखिए एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब है, ठीक है। और होगा कि इससे भी अच्छी हम तरक्की कर लें, तो इससे भी अच्छा बेटर कोई सर्किट बना लें, ठीक है। तो ये हमें स्विच लगा रहे हैं जिससे कि ऑन ऑफ ये किया जा सकता है। तो ये जो स्विच है मेन पीसीबी में कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि पीसीबी हमारी जो चालू है, तो दोस्तों हमने पीसीबी की मेन पीसीबी की एक वायर यहाँ से हटा दिया है, जो कि एक स्विच पे कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। और एक ये वाली जो वायर है हम ये भी स्विच पे कनेक्ट कर रहे हैं, जो मेन एसी का कनेक्ट आया था यहाँ पे स्विच में आ रहा है, ठीक है। स्विच में आने के बाद ये वाली जो है पीसीबी में कनेक्ट कर दिया है, तो अभी हमारा ऑन ऑफ का सिस्टम चालू हो जाएगा इसमें। तो दोस्तों देख सकते हैं ये ऑन, ये ऑफ, ऑफ, ऑन सब काम कर रही है। तो दोस्तों एक बार और आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे लगाया कनेक्शन, एसी ऑन, ठीक है, कैमरे में सही से नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आता है डीसी ऑन, प्लस यहाँ से ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूव करेंगे इसमें, कोई और सर्किट बनाएंगे। तो थैंक यू, वीडियो को लाइक कर दे, थैंक यू।